अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सी की लैंग्वेज के अंदर वाइल और फॉर लूप कैसे यूज़ किया जाता है, उनका सिंटैक्स क्या आता है, और इसके साथ साथ हम कुछ प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे पहले 10 नंबर का सम, एक ऐसा नंबर पकड़ेंगे जिसका हम एक टेबल प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद हम एक स्क्वायर को भी प्रिंट करवाएंगे बाई टेकिंग यूजर्स से इनपुट। इसके साथ मैं आपको फॉर लूप का कोई ओवरव्यू भी दूंगा जो कि आपको इस चीज़ के बारे में बता सके कि वाइल लूप को यूज़ करना आसान होता है क्या फॉर लूप को, और इसके साथ हम कुछ ऐसे प्रोग्राम को देखेंगे जो आपकी इफ एल्स से रिलेटेड होंगे या कोई रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करते होंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो इससे पहले मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की जानी पर, यहाँ मैं इनको पहले डिबग कर दूँ सबको। हमने इस वक्त सी के अंदर तीन टाइप की चीज़ें पढ़ी हैं। तीन टाइप की चीज़ों में सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब यह होता है कि जो प्रोग्रामिंग की जो लाइन्स थी वो उसी सीक्वेंस के हिसाब से परफॉर्म होगी जिस सीक्वेंस के हिसाब से यूज़र ने या प्रोग्रामर ने लिखा होगा। उसके बाद दूसरी टाइप थी कंडीशनल। कंडीशनल के अंदर क्या होता है कि हम एक कंडीशन के बेस के ऊपर कोई ना कोई एक बॉडी कमांड्स को रन करते हैं। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो कमांड्स रन हो जाएगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कमांड्स रन नहीं होगी। इसको हम कहते हैं कंडीशनल। ये थे दो सी के बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी का तीसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं लूपिंग। अब लूपिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली लूप क्या होता है, जब हम एक चीज़ को बार 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 रन करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं लूप। एक ही सेम कमांड्स को हम बार बार रन करना चाह रहे हैं उसको हम कहेंगे लूप। अब सी के अंदर लूप का क्या काम है, हम सी के अंदर लूप का ये काम है कि जब यूज़र को बार बार कोई एक ही चीज़ एक ही बारे में जो आउटपुट है वो जनरेट करवानी हो तो वो लूपिंग सिस्टम की तरफ आता है। और लूपिंग उसका काम इस कदर इजी कदर थी कि उसका जो काम कंडीशनल या सीक्वेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम के अंदर होगा वो आप लूप के अंदर कुछ ही सेकंडों के अंदर उसका काम हो जाएगा। अब लूप के अंदर दो तरह की टाइप्स आती हैं, एक होती है वाइल लूप और एक होती है फॉर लूप। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाइल लूप क्या होती है और फिर हम पढ़ेंगे फॉर लूप क्या होती है। अब वाइल के अंदर और फॉर के अंदर एक बेसिक फ़र्क है। वाइल के अंदर यूज़र को नहीं पता कि कंडीशन कब तक फॉल्स होगी और कब तक ट्रू रहेगी, उसको नहीं पता कि कब तक इसने चलना है कब तक नहीं चलना, ठीक है। वो एक कंडीशन दे देता है और उसके बाद कहता है कि कंपाइलर तुम्हारे ऊपर है कि तुमने कब तक इसको रन करना है कब तक नहीं करना। लेकिन फॉर के अंदर हमें पता होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशंस आनी है। बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो इसकी जो बॉडी लिखी थी, मैं यहाँ सबसे पहले वाइल का एक सिंटेक्स लिख दूँ। सिंटेक्स अगर देखें तो वाइल आ जाएगा और वाइल के अंदर एक कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन के बाद एक ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट के बाद कोड, कोड वही जो आप इफ के अंदर लिखते थे, वही कोड जो आप एल्स के अंदर लिखते थे, वही कोड जो आप एल्स इफ के अंदर लिखते थे, वही कोड जो आप स्विच के अंदर लिखते थे। कोड हमेशा सेम ही रहेगा और वो होगी उसकी बॉडी। हम यहाँ कंडीशन के ऊपर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, होता है वाइल का बेसिक तरीन स्ट्रक्चर। मैं ऊपर जाता हूँ और मैं एक आपको प्रोग्राम बना के देता हूँ जो कि पहले 10 नंबर को प्रिंट करवाएगा, पहले 10 नंबर को प्रिंट करवाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ए जो है वो एक वेरिएबल है जो इसकी वैल्यू है 0 के इक्वल। नीचे आके मैं कंडीशन लगाता हूँ कि ए जो है वो स्मॉलर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 10 के, क्योंकि मैंने कहाँ तक प्रिंट करवाना है 10 तक, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर मैं आगे क्या कहता हूँ कि मैं एक कमांड चला देता हूँ कि प्रिंट एफ कर दो परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्या करेगा, एक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ ब्लैक स्लैश एन लगा रहा हूँ ताकि हर बार लाइन ब्रेक होती जाए, कोमा लगा के एक ही वैल्यू। अब सबसे पहले और नीचे मैं एक लगा दूंगा पोस्ट प्रीफिक्स। अब इस चीज़ के बारे में तो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा होगा, मैं यहाँ इसको भी एक्सप्लेन करता जाता हूँ। अगर ये प्लस प्लस क्या क्या अगर ये प्लस प्लस ए से पहले लगे होंगे, दो प्लस ए से पहले लगे होंगे, इससे क्या मुराद होगी, इससे मुराद होगी कि पहले हमने ए की जो वैल्यू गिवन है उसमें एक ऐड करना है और बाद में ए की वैल्यू को यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ का मतलब यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ इसके बाद लगा दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, पहली वाली लाइन के अंदर ए की वैल्यू क्या थी 0, लेकिन जब वो कमांड सेकंड वाले के अंदर आया उसने एक यहाँ प्रीफिक्स लगा दिया। प्रीफिक्स क्या होता है कि ए की वैल्यू में हम पहले एक चीज़ को 1 को ऐड करेंगे, इसको ऐड करें 1 को ऐड करें, फिर क्या देखिएगा इन जो प्लस का मतलब होता है 1 को ऐड करना।
अब हमने ए की वैल्यू के अंदर प्लस किया है 1 को। अब नीचे जाके जब यहाँ कंडीशन के अंदर आएगा ना, अब इस ए की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, ना कि 0। ये किसके वजह से हुआ? ये हुआ इस पोस्ट फ्री फिक्स की वजह से। इसी तरह ये जो साइन होता है जिसके अंदर प्लस का साइन बाद में होता है, इसका मतलब होता है पोस्ट प्री फिक्स होना। एक होता है प्री, प्री का मतलब जो प्लस का साइन है वो पहले होगा, और पोस्ट का मतलब जो प्लस का साइन है वो बाद में होगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि ए की वैल्यू, पहली जो वैल्यू ऑफ साइन होगी ना वो सिंपल वाली ही होगी जो कि ऊपर क्या लिखी हुई है 0। उसके बाद उसके अंदर एक एडिशन होगा और उसके बाद वो लूप के अंदर जाकर यूज होगी। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये कंडीशन लगाई भी है यहाँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी है अभी। अब देखें, सबसे पहले मैंने ऊपर कहा कि ए की वैल्यू क्या है 0, फिर मैं कंडीशन के अंदर आके मैंने कहा वाइल जब तक ए छोटा नहीं आ जाता 10 से या 10 के इक्वल नहीं आ जाता, तुमने प्रिंट करते रहना है ए की जो भी वैल्यू को गिवन होगा। परसेंटेज डी इसलिए लगाया ताकि वो ए की वैल्यू को प्रिंट करता जाए। तो मैंने कहा कि वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 10, तुमने ब्रैकेट के अंदर आना और देखना कि कमांड क्या चल रही है। कमांड देखने का ए प्रिंट हो रहा है। अभी तक यहाँ तक ए की वैल्यू क्या थी 0, ए की वैल्यू क्या थी यहाँ तक 0। लेकिन जैसे ही वो नीचे वाले स्टेप है उसने देखा कि अब यहाँ ए की वैल्यू के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय वन, मतलब ए के साथ उसका इंक्रीज हो रहा है। अब 0 दिया, अब उसके अंदर एक इंक्रीज हो गया, अब उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब वो दोबारा इसके अंदर जाएगा, अब क्या हो जाएगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, 1 छोटा है 10 से, हाँ छोटा है। वो दोबारा आएगा, दोबारा एक नंबर प्रिंट करेगा, इससे लाइन प्रे करेगा, फिर जाएगा नीचे। अब पहले वैल्यू कितनी होती 1, अब कितनी हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पे आएगा, देखिएगा 10 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 10 जो है वो छोटा नहीं है 10 से, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू है ना, इक्वल है तो दोबारा आएगा 10 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, दोबारा जब वो ऊपर जाएगा, अब यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी 11। तो बार बार ये जो नीचे जो लिखा हुआ है ए प्लस प्लस, इस पर आप लाजमी याद रखिएगा, इसका मतलब होता है वैल्यू के अंदर एक ऐड करना। अगर ये प्लस प्लस ए से पहले होगा उसका मतलब है कि आपने असाइनमेंट से पहले ही एक वैल्यू ऐड कर देनी है, और अगर ये प्लस के बाद होगा, ए से बाद होगा, तो मतलब आपने असाइनमेंट एक बार फंक्शन यूज़ कर लेना है और उसके बाद ऐड करना है। तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस प्लस, और इस बार यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। 11 जो होता है वो 10 से छोटा नहीं है ना, जो 10 के इक्वल है, तो यहाँ कंडीशन फोर्स हो जाएगी और वो निकल के आ जाएगा गेट सी एच पे और हमारे यहाँ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं डीबग, सॉरी मैंने यहाँ इसको डिक्लेयर नहीं करवाया इंट के अंदर, अब मैंने इसको डिक्लेयर करवा दिया। अब इसको दोबारा रन करते हैं एक बार, कोई एरर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं क्या बनता है। और देखें उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की सारी वैल्यू मुझे प्रिंट कर कर दे दी हैं। इस फंक्शन के अंदर अगर मैंने इसी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना था तो मैं प्रिंटर सिर्फ यूज़ कर सकता, लेकिन उसके लिए मुझे 10 मुख्तलिफ प्रिंट एफ लगानी पड़ती। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि जो प्रिंट एफ हम जो वाइल है वो हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देती है, और उम्मीद है कि आपको वाइल की समझ आई होगी। अब हम वाइल लूप के ज़रिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि पहले 10 नेचुरल नंबर के जो नंबर होंगे उनके सम को हमारे तक शो करवाएगा, और उसके साथ साथ उसकी एवरेज को भी हमारे साथ शो करवाएगा। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को कैंसिल आउट करता हूँ, इंट को भी यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं। अब नेचुरल नंबर से हमेशा से हमें पता है कि जो शुरू होते हैं वो 1 से होते हैं, यहाँ इंट ले लेते हैं एक नंबर ए के नाम से, और इसके अंदर मैं वैल्यू को असाइन करवा देता हूँ 1 की। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया ए के नाम से और उसके अंदर वैल्यू रखवा दी 1 की। अब हमने पिछले प्रोग्राम को 0 रखवाई थी, इसके अंदर 1 की रखवाई है, तो इसका आंसर सिंपल है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर पहले 10 नेचुरल नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं, और नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता, इसलिए मैंने ए के अंदर क्या वैल्यू रखवाई है 1। ठीक है, हमारा सम जो होगा वो होगा 1 को प्लस करना 2 के अंदर, 2 को प्लस करना 3 के अंदर, 3 को प्लस करना 4 के अंदर, इस हिसाब से होगा। इसके बाद मैं एक सम के नाम के वेरिएबल को भी एक डिक्लेयर करवा देता हूँ और इसके अंदर रखवा देता हूँ 0। ठीक है, और इसके बाद वाइल के अंदर आता हूँ, वाइल के वो आके मैं कहता हूँ कि बाई चांस जब तक ए लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, तुमने ये कमांड को रन करते रहना है। अब कमांड के अंदर क्या लिखना है, कमांड के अंदर हम लिखने के सम जो है वो इक्वल होगा सम प्लस ए के। ठीक है,
और यहाँ ए का प्रीफिक्स लगा देंगे। अब इस कमांड के अंदर क्या हुआ, इसको गौर से आपने समझना है और इसको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको इस सी की प्रोग्रामिंग की समझ आनी शुरू हो। लूप स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया तो आप इजीली तौर पे सी को मुकम्मल तौर पे क्रैक कर सकते हो और आपको सारा का सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या कहते हैं कि जब ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, मैंने इनिशियलाइज करवा दी, अब वो कहते हैं कि ए लेस देन है 10 के, हाँ जी लेस देन है, कंडीशन के अंदर आ जाएगा, कंडीशन के अंदर आएगा के का सम जो है, सम का एक वेरिएबल इंट करवाया हुआ हमने, ठीक है, उसके अंदर करके जो सम की वैल्यू जो है वो क्या है, 0। तो मैं इसके आगे इसकी वर्किंग बताता हूँ कि 0 के अंदर ऐड कर दो 1, 0 के अंदर जब हमने 1 ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू करें 1 इसकी वैल्यू आ गई, वो निचली वाली कमांड में आता है। अब निचली वाली कमांड के अंदर वो इसको कहता है कि पॉज फीक करो को कि आप ए की वैल्यू के अंदर ए के इजाफा कर दो, पहले ए की वैल्यू 1 थी तो अब यहाँ आ गई कितनी वैल्यू होगी 2, और दोबारा आ जाता है कंडीशन के ऊपर, कंडीशन के अंदर कहते हैं कि जो 2 है अब वो 2 तो है 10 से लेस, हाँ जी लेस है, वो दोबारा यहाँ आ जाता है। अब यहाँ सम की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 1 कैसे होगी थी, हमने सम के अंदर ए को प्लस किया था, जो भी आंसर आया था वो इसके अंदर असाइन हो गया था, हमेशा चीज़ राइट टू लेफ्ट असाइन होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो भी हमने फॉर्मूला लिख रहे हैं उसके अंदर जो भी कमांड हम रन करें उसकी जो वैल्यू राइट साइड से होगी वो लेफ्ट वाली के अंदर जाकर असाइन हो जाएगी। तो यहाँ अब इसकी वैल्यू थी 1, अब जब मैं अगले वाले स्टेप के अंदर आया 2 वाले के अंदर, अब 1 के अंदर मैं प्लस कर दूँगा 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब सम के अंदर कितना हो जाएगा 3, लेकिन अभी ए की वैल्यू कितनी थी 2, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 फिर कम है, ऐसे बारी बारी कमांड रन होती जाएगी। अब 3 के अंदर मैंने कितना प्लस करना है 3, ठीक है, अब इसी तरह हम बार बार ये लूप रन होती जाएगी और हमारे पास फाइनली तौर पे जब 10 नंबर तक हो जाएगी, जब ए की वैल्यू 11 आ जाएगी और वो इस कमांड के ऊपर आके कि 11 लेस देन या इक्वल है 10 के, तो वो कहेगा कि नहीं, जब वो कहेगा नहीं तो कमांड यहाँ से निकल जाएगी बाहर। अब बाहर जाके हम क्या करेंगे, हम एक प्रिंट एफ यूज़ कर लेते हैं और प्रिंट एफ के अंदर हम सम को प्रिंट करवा देते हैं कि सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ये जो पुराना तरीका ही है, और ऊपर सम की वैल्यू, इसके साथ साथ हमने इसकी निकालनी है एवरेज, तो एवरेज निकालेंगे सिंपल फॉर्मूला, हम एवरेज को डिक्लेयर करवा लेते हैं, उसका एक फॉर्मूला बना देते हैं, एवरेज को हम फ्लोट के अंदर करवा देंगे क्योंकि एवरेज कभी कभी पॉइंट के अंदर भी आंसर दे देती है। तो हम यहाँ आके कहते हैं कि फ्लोट करो सम डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 नंबर्स का ले रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, हमें उसकी उस प्रोग्राम की एवरेज निकल आएगी, और उसके बाद इसको भी प्रिंट एफ यूज़ करके प्रिंट करवा देंगे द एवरेज इक्वल टू परसेंटेज एफ, ठीक है, और यहाँ कोमा के बाद कोमा और इसके बाद एवरेज की वैल्यू लग जाएगी, उसको हम कर देंगे ख़त्म, ठीक है, और ये गेट सी एच मैंने प्रोग्राम की बॉडी के बाहर लगाया हुआ, तो हम इसको आंसर लगा लेते हैं। तो हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, डीबग करने की कोशिश करते हैं, अब फाइन तो फिर डीबग हो चुका है, अब इस प्रोग्राम को हमने डीबग किया और इसके बाद जो आंसर आया वो देखें क्या आया, 55 आंसर आया पहली 10 वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद, और एवरेज कितनी निकल गई उसकी 5 एवरेज निकली है, एवरेज कैसे निकली, जो टोटल नंबर जो सम आया हमने उसको डिवाइड कर दिया 10 के साथ, इस तरह हमारे सम का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने एक वैल्यू को लिया इंट, उसको डिक्लेयर करवा दिया के अंदर क्योंकि एक नेचुरल नंबर है तो हम 1 रखवाएंगे, फिर हमने एक और वेरिएबल को असाइन करवाया जिसके अंदर हमने सम को इक्वल रखा 0 के अंदर, फिर एक वाइल लूप लगाई कि जब तक ये जो ए की वैल्यू है वो ये लेस देन या इक्वल टू 10 नहीं आ जाती तुम नीचे वाली कमांड को आगे सम करते जाओ, हमने एक सम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला रख दिया कि सम की जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर ए की वैल्यू को हम बार बार ऐड करते जाएंगे, फिर हमने ए के आगे पॉज फ्री फिक्स लगाया जिसके अंदर ए की वैल्यू हमेशा 1 इंक्रीज करती जा रही है, 1 by 1 इंक्रीज करते करते यहाँ आ जाएगी ए की वैल्यू 11, जब ए की वैल्यू 11 आएगी तो बाहर आएगा, बाहर आके देखिए कि प्रिंट एफ लगी हुई है, प्रिंट एफ के अंदर उसने क्या प्रिंट करवाया हुआ है सम, तो यहाँ सम प्रिंट हो गया, फिर उसने निचली लाइन के अंदर आया देखा कि यहाँ एक और चीज़ मुझे गिवन है वो है फ्लोट, तो फ्लोट के अंदर उसने फ्लोट का फंक्शन लगाया उसको परफॉर्म किया और उसके बाद उसको एवरेज निकाल कर हमारे पास रख दी। ये था सी के अंदर व्हाइल लूप के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसके अंदर हम पहले 10 वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं, ताकि आपकी व्हाइल की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो सके तो हम इसके अंदर एक और प्रोग्राम करते हैं जो कि पहले
जो भी यूज़र एक नंबर देगा उसके मल्टीपल निकाल के देगा। मल्टीपल से क्या मुराद होता है, मल्टीपल से मुराद होता है कि उसका एक टेबल बनाकर हमें दे देगा। तो इसका नाम करेंगे, सबसे पहले इंट ले लेते हैं और ए हम यूज़र से मांगेंगे तो हम इसको ए रखवा देते हैं। उसके बाद हम एक और वैल्यू इंट लेते हैं और उसके अंदर वैल्यू रखवा देते हैं 1। अब मैंने ये जो आई मैंने जो डिक्लेयर करवाया और इनिशियलाइज करवाया, ये वो वाला 1 है जो कि किसी भी टेबल के अंदर जब हम देखते हैं 2 1s are 2, ये वो वाला 1 है जो कि किसी भी टेबल के सबसे टॉप के ऊपर आता है। हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर ए के साथ प्लस प्लस का साइन लगाया था और हम ए की वैल्यू को बार बार इंक्रीज़ कर रहे थे जिसका हमने सम निकालना था। अब हम उस वाली वैल्यू को बार बार इंक्रीज़ करेंगे जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि जो यूज़र की ने जो वैल्यू दी हुई है 5 या 6 7 8 9 वो तो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ें हैं, मतलब पहले 1 होगा फिर 2 होगा फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये वाला प्रोग्राम किसी भी नंबर के पहले 10 मल्टीपल्स को हमारे सामने देगा, मतलब हमने जो बेसिकली बचपन में पढ़ा हुआ है ना कि 10 तक का कोई भी टेबल हो जाए वो करेंगे। क्या हो गया इसको, या मैं एंड आई के अंदर एक वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ 1। और उसके बाद वाइल लूप की तरफ आता हूँ और मैं वाइल लूप के अंदर आगे कहता हूँ कि बाई चान के वाइल ए इस लेस देन आई। अब हमने यहाँ आई की कंडीशन को लगाने के आई इस लेस देन 10, तो ये कोड को हमारे पास रन कर दो। यहाँ 1 गलत लिखा गया तो यहाँ 10 यहाँ हमारे पास एक कोड को रन कर दो। अब कोड के अंदर मैं आगे कहता हूँ कि प्रिंट एफ करो, और प्रिंट एफ के अंदर मैं एक कमांड चलाता हूँ कि परसेंटेज डी का साइन, ठीक है, ब्लैक स्लैश एन। अब परसेंटेज डी क्यों आया, ताकि वो वैल्यू प्रिंट हो सके मल्टीपल की, साथ जो स्लैश एन है वो है ताकि लाइन ब्रेक हो सके। और डबल कॉलन के बाद मैं लिखता हूँ कि ए को मल्टीप्लाई करना है आई के साथ, और वहाँ मैंने लगा दिया सेमी कॉलन का साइन, और यहाँ आके मैंने आई प्लस प्लस का साइन डाल दिया। इससे पहले मैं एक और कंडीशन यहाँ एक प्रिंट एफ ऐड करना चाहूँगा, तो वो होगी प्रिंट एफ सिंपल, एक प्रिंट एफ होगी सिंपल, और ये वैसी बताने के लिए कि द मल्टीपल्स ऑफ परसेंटेज आर गिवन बिलो, ठीक है। और यहाँ ब्लैक स्लैश एन लगा रही हूँ सिर्फ बताने के लिए कि परसेंटेज गिवन, और यहाँ ए आ जाएगा जो भी यूज़र गिवन करेगा। ये हमारे पास बन गया प्रोग्राम, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को समझने की बात करते हैं, उसके लॉजिक के पीछे आते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम को इतने आसानी तरीके से कैसे लिख लिया और इस प्रोग्राम की बैक एंड के ऊपर प्रोग्रामिंग कैसे होगी। सबसे पहले आई को 1 से इनिशियलाइज करवाया, वो आपको पता है कि जो भी टेबल शुरू होगा वो 1 से शुरू होगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये तो वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी, जब आपको इसकी आउटपुट देखेंगे आपको ये समझ आ जाएगी। मसला है वाइल लूप का, वाइल के अंदर आते हैं तो कंडीशन के अंदर देखते हैं कि आई जो है वो लेस देन होगा या इक्वल होगा 10 के। अनटिल आई इससे ग्रेटर चला गया या इसके इक्वल ना रहा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इसकी लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। यहाँ आ गया प्रिंट एफ कि जब तक वाइल की कंडीशन फोर्स नहीं करती तुमने इसको प्रिंट एफ करते रहना है। और प्रिंट एफ के अंदर क्या था कि एक नंबर को प्रिंट करवाना है जिसके अंदर क्या आएगा ए, जो कि भी यूज़र गिवन देगा। फॉर एग्जांपल ये 5 हो सकता है, मैं यहाँ इसकी आके रेफर करता हूँ 5। 5 इंटू क्या हो जाएगा पहला 5 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा यार इक्वल टू हो जाएगा 5 के, ठीक है। अब जैसे ही कमांड रन होगी नीचे जाएगा, अब आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2। अब 2 दोबारा पर जाएगी, 2 लेस देन है 10 की, हाँ जी है, वो नीचे आ जाएगी। इस बार 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा इस बार 2 से और वैल्यू आ जाएगी 10। अब आई की वैल्यू 2 थी, दोबारा आई, अब आई की वैल्यू कितनी होगी 3, दोबारा कंडीशन की, अब 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 4 होगी, अब 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर 5 होगी। इस तरह आई की वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी और अनटिल आई की वैल्यू जब 11 होगी तो ये हो जाएगी कंडीशन फोर्स, और जब वो कंडीशन फोर्स होगी तो वो निकल आएगा इस टेबल से बाहर, और जब इस टेबल से बाहर निकल आएगा तो हमारे मल्टीपल्स वाला जो टेबल है जो प्रोग्राम है वो हो जाएगा एंड। तो इसको डिबग करके देखते हैं कि कोई एरर आता है कि नहीं आता। हम यहाँ ऊपर ए के नीचे अगर ए हम यूजर्स मांग रहे हैं तो हम यहाँ प्रिंट एफ भी एक लगाएंगे कि भाई करो क्या आएगा, यहाँ एंटर द नंबर और साथ साथ क्वेश्चन सेमी कोलन का साइन आएगा, इसका स्कैन एफ के अंदर भी हम प्रूव करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें एक एरर आ जाएगा, तो यहाँ पर सेंटर डी का साइन लगा कर
इसको मैं डिक्लेयर करवाता हूँ एंड एक अंदर क्वेश्चन मार्क साइन लगाता हूँ और बाकी प्रोग्राम सारा सही है। अब इसको डिबग करने की कोशिश करते हैं और डिबग करके देखते हैं क्या आंसर आता है। और डिबग कर चुके हैं और आपके सामने मैं अब नंबर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 8 का नंबर देता हूँ। अब 8 के सारे का सारा टेबल मेरे सामने प्रिंट कर दिया, 8128, 8216, 8324, 48, 56, 64, 72, 80 तक। 88 भी क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने ऊपर कितना कहा हुआ था 10 तक। अगर मैं इसको हटा के 15 कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या मैंने कर दिया 15, और मैं इसको दोबारा डीबग करता हूँ और अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 की 15 मल्टीपल तक का आंसर आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। मैं 8 की वैल्यू लूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। और आप देखें 88 से भी नीचे 5 बार किया है, ताकि जो आंसर है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाइल वाले ये सारे प्रोग्राम समझ आ गए होंगे। लेकिन अब हम वाइल के जरिए एक स्क्वायर को बनाने चाह रहे हैं यूज़र के दिए हुए डिमांड के मुताबिक। ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और इसके लिए आपको साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके मेरे इस प्रोग्राम की बराबर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको समझ आ सके कि इसके फंडामेंटल, इसका रूल्स वगैरह क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा देता हूँ, इंट रो, और ये यूज़र ही हमें गिवन करेगा। फिर मैं करवा देता हूँ इंट कॉलम, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट एफ चला देता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि एंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है, क्वेश्चन सेमीकोलन, स्कैन एफ यूज़ करता हूँ, इस वैल्यू को डिक्लेयर करवा देता हूँ मैं परसेंटेज डी के अंदर फॉर्म में स्पेसिफाई, कॉमा, एंड का साइन और रो जो हमने ऊपर वेरिएबल का नाम रखा है। सेम है, मैं प्रिंट एफ दोबारा यूज़ करूँगा कॉलम के लिए। ये सारा प्रॉब्लम मेरिटेड है, आपको समझ आती होगी अब तक तो, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, और यहाँ फिर सेमी कॉलन का साइन, स्कैन एफ आ जाएगा, स्कैन एफ के साथ परसेंटेज का साइन, परसेंटेज टी, इसके बाद कॉमा और एंड का साइन, और एंड का साइन फायर आता है अभी, कॉमा एंड का साइन, और साथ इसके आ जाएगा कॉलम, कॉलम की स्पेलिंग कोई लकी क्या जो ऊपर गिवन है। यहाँ तक का जो हमारा फंक्शन था वो बेसिक था, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस वगैरह यूज़ नहीं भी। अब ये कि हम इसके ज़रिए एक स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, और ये एक इम्पॉसिबल का सा टास्क लगता है हर बच्चे को, कि उसका माइंड ब्लो करता है कि हम सी के ज़रिए, हम फाइल के ज़रिए क्या कोई ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जैसा दिखने वाली चीज़ बना सकते हैं। तो उसका आंसर है हाँ, बना सकते हैं व्हाई यूजिंग व्हाइल लूप। अभी तक मैं फॉर लूप के ऊपर नहीं गया, और फॉर लूप के अंदर मैं आज इतना डिटेल नहीं भराऊँगा, सिर्फ एक दो एग्जाम्पल करवाऊँगा वही जो हमने फाइल के अंदर किए हैं, सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क है, बाकी सारी की सारी चीज़ क्या होगी सेम। मैं यहाँ एक इंट करवा देता हूँ एक वेरिएबल को, और उसकी वैल्यू रखवा देता हूँ यहाँ मैं 0, ठीक है। ये मैंने एक आई के नाम से एक वेरिएबल इंटीजर करवा दी इसकी। इसको क्यों मैंने यहाँ डिक्लेयर करवाया इसकी समझ आपको बाद में आएगी, जब आप प्रोग्राम को रन होता हुआ देखेंगे। मैं यहाँ एक कंडीशन चला देता हूँ कि वाइल जो आई है लेस देन है रोज़ के, ठीक है। पहला क्या हम कंडीशन चला देंगे कि जो आई है वो लेस देन है रो के, इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करवा देता हूँ, और इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ रखता हूँ 0, ठीक है। अभी तक सिंपल आप इस कोडिंग को देखें और समझने की कोशिश करें, इतना समझने की कोशिश ना करें कि आपका दिमाग ख़राब हो। मैं आपको इस सारा का सारा डिक्लेयर समझ करवाऊँगा, मैंने यहाँ जे को क्यों डिक्लेयर करवाया, आई को क्यों डिक्लेयर करवाया, अभी सिर्फ आप इसको लिखने की कोशिश करें। अब मैं इस वाइल के अंदर एक और वाइल लूप यूज़ करूँगा, जिसको हम कहेंगे नेस्टेड वाइल कहते हैं। एक वाइल के अंदर दूसरी वाइल यूज़ करना नेस्टेड वाइल, इसके अंदर मैं कह दूँगी जे जो होगा वो लेस देन है, जे इज़ लेस देन कॉलम, ठीक है। अब इसकी बॉडी के अंदर आऊँगा, और इसकी बॉडी के अंदर मैं एक प्रिंट एफ यूज़ करूँगा, और प्रिंट एफ के अंदर मैं क्या यूज़ करता हूँ, एस्टेरिक का साइन, एस्टेरिक का साइन हम प्रिंट करवाएंगे, और इसके साथ हम लगा देना जे प्लस प्लस, या इसकी कमांड से बाहर निकलेगा, कमांड से बाहर निकलेगा। तो मैं एक प्रिंट एफ लगाऊंगा, और प्रिंट एफ के अंदर मैं यहाँ लिख दूंगा बैक स्लैश एन, सिर्फ बैक स्लैश एन कॉमा, और यहाँ मैं लगा दूंगा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब बेसिकली इस प्रोग्राम का क्या फंडामेंटल है,
जब भी सी के अंदर हम कोई भी एक ऐसा शेप वाइज कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो जो पहली रो होती है ना, पहला जो कंडीशनल होता है, अब वो हमेशा आपकी रो को कंट्रोल करता है, आपकी रो की प्रिंटिंग को कंट्रोल करता है। या आप बात कहीं लिख लें, जहन में बिठा लें कि जो करना है कर लें, पहली जो वाइल होगी, पहली जो कंडीशनल लूप होगी, वो हमेशा आपकी रोज को प्रिंट करवाने का काम करेगी और हमेशा उसी के अंदर ही कॉलम्स की प्रिंटिंग का काम होगा। रोज़ और कॉलम की प्रिंटिंग का काम एक दूसरे से टोटली तौर पर कह सकते हैं पैरेलल काम करता है। रो की पहले कॉलम प्रिंट होंगे और जैसे जैसे कॉलम प्रिंट हो रहा है वैसे वैसी रो प्रिंटिंग हो रही है। अब इसके नीचे आ जाए, हमने मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई, इसको मैंने ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करवाया। आप कह सकते हैं कि मैं इसको वन के इनिशियलाइज़ क्यों नहीं करवाया। वो वन के इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हम यहाँ डाटा जो ले रहे हैं वो यूज़र से ले रहे हैं। अब यूज़र रो की जगह वन भी तो इंटर कर सकता है और अगर वन ग्रेटर देन वन होगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा कुछ भी वो प्रिंट करवाना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ज़ीरो की इनिशियलाइज़ कर लिया। अब देखें ज़ीरो जो है वो लेस देन रो से है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि यूज़र ने जो रो एंटर की थी वो टू की थी और कॉलम भी क्या किया था, टू किया था। मैं आपको इसकी आउटपुट कुछ जनरेट करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम कंपाइलर से कहेंगे। ठीक है, अब जो रो थी वो क्या थी, ज़ीरो, ज़ीरो इज़ लेस देन टू। ठीक है, कंडीशन टू है, अंदर आ जाओ। अंदर आया लूप के तो उसके अंदर उसने एक और उसको वेरिएबल पकड़ा दिया और उसने कहा कि जे को भी आप ज़ीरो की खबर रख दो। मैंने कहा ठीक है, जे को भी कवर एक बार रखते हैं ज़ीरो के। अब फिर जब इसकी कंडीशन के अंदर आया एक और वाइल लूप मिल गई, उस वाइल लूप के अंदर उसने कहा कि अब जो जे है वो लेस देन है कॉलम के। अब कॉलम के ऊपर हमने वैल्यू कितनी दी हुई है, हमने कुछ लेट की है टू, तो यहाँ भी कंडीशन जो है क्या है, टू है। अब इसके नीचे आए जिसने कहा अगर ये कंडीशन टू है ना तो जाके एक प्रिंट करवाता हूँ मैं। अब यहाँ इसकी ना आउटपुट लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं नीचे आउटपुट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, इसको बंद करो। उसने कहा कि अगर तो ये कंडीशन टू है कि ज़ीरो लेस देन है टू के तो जाके प्रिंट कर दो स्टेरिक। मैंने आया और मैंने यहाँ स्टेरिक प्रिंट कर दिया और उसके नीचे उसने कहा कि आप जे की वैल्यू के अंदर एक ऐड कर दो। जे की वैल्यू पहले कितनी थी, ज़ीरो, आप कितनी होगी, वन होगी। ठीक है, जे की वैल्यू कितनी थी, ज़ीरो, और आप कितनी होगी, वन। ये प्लस प्लस का साइन क्या करता है कि जे की वैल्यू के अंदर एक नंबर का एडिशन कर रहा है। अब मैं ऊपर क्या रहा, मैंने कहा कि अब जे की जगह क्या आ गया, वन। आप देखिए कि जो वन है वो भी क्या है, टू से छोटा। तो उसने कहा कि एक और स्टेरिक को प्रिंट करवा दो। तो मैंने कहा कि एक और स्टेरिक को प्रिंट करवा दिया। अब जे की वैल्यू कितनी होगी, थ्री। जब जे की वैल्यू थ्री हुई तो देखें वो कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। अब वो कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। तो अब क्या करेगा, वो इस वाले लूप से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा और आ जाएगा अगली लूप पे। जब वो आएगा अपनी रियल लूप में, मतलब पेरेंट लूप के अंदर, तो उसको एक हम दे देते हैं कि अब जो प्रिंट एफ करना है वो एक लाइन स्पेस करना है, तो वो लाइन स्पेस कर देता है। अब अगला काम क्या है कि आई की वैल्यू के अंदर एक एडिशन करो। आप आई की वैल्यू के अंदर एक एडिशन करता और आई की वैल्यू के अंदर आप क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक है, अब ये नए रोल्स को समझना शुरू करें। अब अभी कंडीशन क्या है, टू हो रही है। कंडीशन टू है तो दोबारा नीचे वाली कंडीशन चलेगी, नीचे वाली कंडीशन चलेगी तो दोबारा वो जे के अंदर किसको इनिशियलाइज़ करवाएगा, ज़ीरो को। ज़ीरो को इनिशियलाइज़ करवाएगा, लेकिन ज़ीरो लेस देन है कॉलम से, हाँ जी कॉलम से लेस देन है, तो दोबारा यहाँ आके क्या प्रिंट करवा देगा, नीचे एक स्टेरिक को प्रिंट करवा देगा। अब फिर जे के अंदर एक वैल्यू ऐड होगी, ऊपर वन आ जाएगा, वन लेस देन है टू के, हाँ जी है, तो दोबारा एक स्टेरिक को प्रिंट करवा देगा। इसी तरह अब जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री, थ्री जो है टू से लेस देन है नहीं, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी, नीचे आएगा लाइन ब्रेक करेगा। लाइन ब्रेक करने के बाद अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। अब जब ऊपर जाएगा तो देखिएगा टू टू से ग्रेटर है नहीं, तो ये सारी कंडीशन से फॉल्स करके नीचे आ जाएगा गेट सी एच के पास और हमारे पास एक स्केयर बन जाएगा टू बाई टू का ऑन द डिमांड ऑफ द यूज़र। ठीक है, आपको समझ आने की कोशिश होगी, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद मैं फर्दर भी वीडियो सुनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ एक बेसिक लेवल के लिए, आपके एक असाइनमेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ईज़ सही है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए। वाइल के लिए हमने एक यहाँ वाइल की भी एक ब्रैकेट आनी थी, वो यूज़ नहीं की मैंने। ठीक है, और ये कमांड रन हो जाएगी। पहली वाली जो वाइल है वो हमेशा रोज़ के लिए यूज़ होगी, दूसरे वाली कॉलम के लिए। पहली वाली वाइल के अंदर एक और वाइल यूज़ होगी जिसको हम कॉलम वाली वाइल कहेंगे। ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली प्रिंटिंग का काम तो ये वाली लूप कर रही है, और जैसे जैसे ये प्रिंट कर रही है साथ साथ दूसरे का भी काम निकलता जा रहा है। इसको मैं डीबग करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा।
और यहाँ अलहमदिल्ला कोई एरर नहीं है। नंबर ऑफ रोज चले मैं उसको कहता हूँ 7 है, रो कॉलम भी मैं 7 कहता हूँ। तो देखो ना 7x7 के मेरे पास एक रो एक टेबल बना के दे दिया। अब हम पढ़ेंगे फोर लूप क्या होती है। फोर लूप तब यूज़ होती है जब यूज़र को पता हो कि उसने एग्जैक्ट कितने बार उसी जो बॉडी है उसको रिपीट करना है। अब वाइल के अंदर आपको याद होगा कि जब हम वाइल की कंडीशन लिखते थे तो क्या होता था कि कंडीशन ऐसे आ जाएगी, यहाँ ए की वैल्यू को हमने अलग-अलग इनिशलाइज करवाना है, इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, 10 ही 1, ठीक है, इसकी बॉडी अलग-अलग होगी और बॉडी के अंदर प्रिंट एफ जो भी आपने लगाना है वो अलग-अलग तौर पर यूज़ होगा, परसेंटेज डी ब्लैक स्लैश एन, और यहाँ क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और यहाँ कोमा, और यहाँ ए प्लस प्लस। अब अगर वाइल के स्ट्रक्चर को देखें तो कंडीशन ये लगी हुई है, वैल्यू यहाँ इनिशलाइज हुई हुई है और जो इंक्रीमेंट है वो नीचे किया हुआ है। अब अगर मैं इसी सेम कोड को फोर लूप के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, फोर ब्रैकेट, सबसे पहले मैं ए को वैल्यू दूँगा ए इक्वल टू 1, ठीक है, सेमी कोलन का साइन, उसके बाद मैं कंडीशन लगाऊँगा कि ए इज़ लेस देन 10, सेमी कोलन का साइन, और साथ में इंक्रीमेंट लगा दूँगा प्लस प्लस का, ठीक है। और यहाँ मैं इसकी बॉडी के अंदर आऊँगा, बॉडी के अंदर सिंपल मैं प्रिंट एफ का लगा दूँगा कि परसेंटेज डी कर दो, और यहाँ ब्लैक स्लैश एन कर दो, और कोमा हटाकर ए लगा दो, और यहाँ ब्लैक स्लैश एन कर दो। जो कोड वाइल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनों के अंदर लिखा गया वो फोर में सिर्फ 2 लाइनों के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया। ये कमाल है फोर लूप का, मतलब कि जो आपकी कमांड है इसके ऊपर जो हमने वैल्यू इनिशलाइज करनी थी उसने वैल्यू इनिशलाइज अपने अंदर कर दी, ये जो कंडीशन लगानी थी वाइल के अंदर वो कंडीशन इसने अपने अंदर यूज़ कर दी, और आखिर में जो हमने इंक्रीमेंट लगाना था वो भी इसने अपने साथ ही ऊपर अपने सिंटेक्स के अंदर कर दिया। सिंटेक्स याद रखिएगा, सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशलाइज करते हैं, इनिशलाइज सबसे पहले करते हैं, फिर हम कंडीशन लगाते हैं, और लास्ट में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं, और इन दोनों के अंदर बेसिक सेमी कोलन ही यूज़ होता है। ये था हमारा फोर लूप का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और ये काफ़ी ज़्यादा इतना मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको इसकी समझ ना आए। फोर लूप और वाइल लूप बिल्कुल सेम है, आपने जो कोड वाइल के अंदर लिखा वो कोड को ईजिली तौर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं फोर लूप के अंदर। जस्ट क्या काम है कि कंडीशन यहाँ शुरू में आ जाएगी, जो ऊपर इनिशलाइज करवाया हुआ है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, और जो नीचे वाइल या वाइल के अंदर जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाया हुआ है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, बाकी सारा के सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम पढ़ेंगे कि सी के अंदर इवन और ऑड के फंक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इफ एल्स। आप इसको वाइल और फोर से करने की ट्राई करिएगा और वो इजीली तरह से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि नंबर को मैंने डिक्लेयर करवा दिया एक का, फिर मैं उसकी प्रिंट एफ लगा के उसकी वैल्यू को इनपुट करवा लेता हूँ, और बाद में एक कमांड चलाता हूँ कि अगर ए का जो मॉडल है वो इक्वल हो जाए 0 से तो तुमने क्या प्रिंट किया होना है, इट इज़ अ इवन नंबर। ये जो डबल इक्वल का साइन है इसका मतलब क्या होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र यहाँ 4 गिवन करता है तो मैं 4 का जब मॉडुलस लेता हूँ तो वो कम्पलीटली तौर पर 0 के इक्वल आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड राइट के इक्वल होगी तो वो नीचे आगे इसको प्रिंट कर देगा इट इज़ अ इवन नंबर। निचले वाले में मैंने सिंगल इक्वल लगाया, डबल नहीं लगाया, उसका काम क्या है कि इस वाले जो है ना एल्स इफ इसके अंदर कह रहे हैं कि अगर जो है अब ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज ए परसेंटेज टू या ए का जो मॉडुलस टू है अब वो 0 को इक्वल ना आए, अगर अब ऊपर तो वो कंपेयर कर रहा है और नीचे कह रहा है कि अगर नहीं आया तो तुमने क्या कहना है कि ये एक और नंबर है। दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ एक फ़र्क आ रहा है क्वेश्चन इस एस टी नोट का जो साइन इसको क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं आती इसकी, कि मतलब हम इसमें से ये कह रहे हैं कि अगर ए का जो मॉडुलस ले रहे हैं 2 के साथ और उसका रिमाइंडर 0 इक्वल नहीं आ रहा तो तुमने क्या प्रिंट कर देना कि ये क्या एक ओड नंबर है, और आखिर में एल्स वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर हमें ASCII कोड फाइंड करने हैं। अब ASCII कोड को फाइंड करने के लिए सी ने एक प्री डिफाइंड सिंटेक्स पहले से दिया हुआ है जिसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हमने यूज़र से कहा कि एक हमें वोवल एंटर कर दो, वोवल चूँकि एक करेक्टर होता है तो हमने यहाँ डेटा टाइप जो है वो 4 की यूज़ कर ली, ठीक है,
और नीचे हमने स्कैन ऐप के अंदर सी लगा दिया। और स्विच के अंदर हमने वो वाला ऑपरेटर लिखना है जिसके ऊपर हम वो वाले कमांड्स को यूज़ करना चाहते हैं। अब यूज़र या तो ए एंटर करेगा या ई एंटर करेगा या आई या ओ या यू या ये पांच हैं ए आई ओ यू यूज़ कर सकता है। अब याद रखने की बात इसमें यह है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट के वोवल की बात करें या कोई भी करेक्टर की बात करें केस के अंदर वो हमेशा सिंगल कोलन के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट एफ के अंदर आएंगे और हम लिखेंगे द आस्की कोड ऑफ परसेंटेज सी इज परसेंटेज डी। परसेंटेज सी से मुराद ए वाला वेरिएबल जो कि यूज़र ने हमें गिवन दिया ए आ गया और नीचे क्या आ गया डी। डी क्या हमें बता रहा है कि वो वाली वैल्यू जो कि यूज़र आस्की कोड के प्री डिफाइंड फंक्शन से हमें खुद ब खुद फाइंड करके दे देगा। अगर तो वैल्यू ए हुई तो ये रन हो जाएगा, अगर ई हुई ये रन हो जाएगा, अगर आई हुई तो ये रन हो जाएगा, ओ हुई तो ये रन हो जाएगा, यू हुई तो ये रन हो जाएगा, और अगर इनमें से कुछ भी ना हुआ तो इनवैलिड करेक्टर की ऑप्शन आ जाएगी। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। और मैं इसको पहले एक वोवल लेटर ही दूंगा और मैं इसको कहता हूँ ई। ई दिया से मुझे इसका आस्की कोड बता दिया 101। समझ आ रही कि आस्की कोड को बताने का कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। ये सी के अंदर एक प्रीडिफाइंड सिंटैक्स होता है जिसको यूज़ करके सी डिटेक्ट करता है कि जहाँ उसने आस्की कोड लिखा हुआ है और उसने जहाँ ये दो एक साथ लिखे हुए हैं बाद में इनकी वैल्यू क्या कि कोमा डाला हुआ है तो यहाँ मैंने आस्की कोड का ही जिक्र करना है। इस सेंटेंस को आप रट्टा मारे जो मर्जी करें आपके लिए आसान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आते हैं कि अगर आपको कभी किसी ने एक वैल्यू दे दी और कह रहा है कि इस वैल्यू से मुझे एक रीज़न एक सिचुएशन दे दी कि इससे मुताबिक मुझे जज करके बताओ कि मुझे तब कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी कार की जो कैपेसिटी है वो 5 है, कितनी कैपेसिटी है 5, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पहले हमें बताओ जी कितने लोग एंटर हों एक कार में, मतलब एक कार के अंदर से कि 5 लोग इजीली बैठ सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि यूज़र कितने बंदों को वहाँ बिठाना चाहता है तो हम यहाँ मैथ डॉट एच के एक फंक्शन यूज़ करेंगे सील, जो कि जो भी कोई वैल्यू आती है उसको नियरेस्ट स्क्रीन निचले वाली जो वैल्यू से फ्लोट वहाँ तक कन्वर्ट कर देता है। तो इसको मैं रन करता हूँ और मैं इससे वैल्यू मांगता हूँ या कोई भी वैल्यू मांग लो चलें। सबसे पहले मैंने बता दी कि कैपेसिटी फॉर कार 5 है, मैं कहता हूँ कि 20 लोग हैं, 20 लोग पे से कितनी कार्स मुझे बता देंगे, 4 कार्स चाहिए हैं आपको। ये किससे मुझे पता चला, सील के साथ। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले जो ए है ना, जो भी हम उसको वैल्यू देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 20 वैल्यू दी, उसने 5 से कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, आंसर क्या है 4, उसने मुझे 7 इसका आंसर प्रिंट करके दे दिया। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो व्हाइल और फॉर लूप के बारे में समझ आई होगी। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रोग्राम की स्टेटमेंट दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना सकता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, पीस आउट।